क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे बेटा? क्रोमेटोग्राफी। वीडियो इज नॉट क्लियर बेटा, नेटवर्क इश्यू हो सकता है, ठीक है। टुडेज डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, हाँ बेटा इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा जो क्रोमेटोग्राफी वो कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है बेटा। क्रोमेटोग्राफी, इसमें मैंने बताया था कि ये एक लैटिन वर्ड है, के आर ओ एम ए, और क्रोमा का मतलब होता है कलर, ठीक है। क्रोमा का अर्थ क्या होता है? कलर। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन में देखना, क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक इज द टेक्निक टू सेपरेट वन और मोर सोल्यूट डिजोल्व इन सेम सोलवेंट। मतलब जैसे सेम सोलवेंट का मतलब जैसे वाटर है, सेम सोलवेंट है, ठीक है। और वाटर के अंदर हमने डाइज मिलाई, ठीक है, तो एक जैसे सोलवेंट में बहुत ज़्यादा सोल्यूट डिजोल्व हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है, क्रोमेटोग्राफी इज टेक्निक टू सेपरेट वन और मोर सोल्यूट डिजोल्व इन सेम सोलवेंट, ठीक है। एक जैसे सोलवेंट के अंदर ही जब बहुत सारे सोल्यूट प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सी मेथड यूज करते हैं हम? क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। जैसे मैं बात करूं, एग्जाम्पल्स की बात करूं, ठीक है, जैसे हमने ले लिया डाइज प्लस वॉटर और उससे बन गया इंक, बन गई, क्या बन गई उससे? इंक। तो यहाँ पे डाइज क्या है? सोल्यूट है, दो या दो से ज़्यादा सोल्यूट हो सकते हैं, और सोलवेंट क्या है इसमें? सेम सोलवेंट, वाटर के अंदर ही डिजोल्व करेंगे, ये क्या है? सोलवेंट। और यहाँ पे इंक क्या है? सोल्यूशन है, इंक क्या है यहाँ पे? सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि दो या दो से ज़्यादा जो सोल्यूट हैं वो डिजोल्व होंगे एक जैसे सोलवेंट के अंदर ही, ठीक है। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, ठीक है। और क्रोमेटोग्राफी में जो क्रोमा है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर्स। अब इसके अंदर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी के बारे में हम बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है बेटा। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मटेरियल, देन वी टॉक अबाउट आगो। इसमें एक्टिविटी निकालो सभी अपनी बुक के अंदर, 2.7 एक्टिविटी 2.7 निकालो सभी अपनी बुक्स के अंदर। हाँ, एक्टिविटी है इसके अंदर 2.7। हमने एक क्या ली यहाँ पे? स्ट्रिप ली, एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी की। यहाँ पे ये क्या है? स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर,
फिल्टर पेपर की क्या है यहाँ पे, एक स्ट्रिप है, ठीक है, सभी को दिख रहा है ना, फिल्टर पेपर की स्ट्रिप है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक पेंसिल से हमने क्या किया, एक ड्रो, ठीक है, ड्रो ए लाइन विद पेंसिल, पेंसिल से इस पे हमने क्या बनाई, एक लाइन बनाई, ठीक है, पेंसिल से क्या बनाई, एक लाइन बनाई। उसके बाद हमने एक ड्रॉपर से हमने इसके ऊपर जो हमने अभी मिलाया था यहाँ पे डाइज प्लस वाटर, और इससे क्या बन रहा था, इंक बन रही थी, ठीक है। हमने इस इंक में से एक ड्रॉपर भरा, और ड्रॉपर भरने के बाद यहाँ पे हमने एक ड्रॉप रखी, यहाँ पे मैं कलरफुल पेन से दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या देख ड्रॉप डाल दी, ठीक है, क्या डाल दी, एक ड्रॉप डाल दी। अब ये जो फिल्टर पेपर की स्ट्रिप है इसको मैं ट्रांसफर करता हूँ पानी के अंदर, ठीक है, मतलब ये जो स्ट्रिप है इसके अंदर ये हमने एक लाइन बनाई, उसके ऊपर हमने ये डाला स्पॉट ऑफ इंक, इसको मैंने बोला स्पॉट, स्पॉट ऑफ इंक, इंक का क्या लगाया मैंने, स्पॉट लगाया, ठीक है। अब इस वाले फिल्टर पेपर को मैंने रिप्लेस किया पानी के अंदर, एक पानी का कोई गिलास है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और ये एक प्रकार से, और यहाँ पे हमने क्या लगा दी, इसको पकड़ने के लिए स्ट्रिप लगा दी, ठीक है, स्ट्रिप लगा दी ताकि ये पूरा पानी के अंदर नहीं गिरे, ठीक है, स्ट्रिप फॉर कैच, पकड़ने के लिए हमने क्या लगा दी, इस पर स्ट्रिप लगा दी ताकि ये पानी के अंदर पूरा ना डले। अब हमने क्या देखा, ये इतना सा पानी के अंदर डूबना चाहिए, ठीक है, इतना इतना पानी के अंदर डूबना चाहिए। अब ये क्या करेगा, पानी को एब्जोर करेगा, फिल्टर पेपर जो होता है वो पानी को क्या करता है, एब्जोर करता है। जैसे ही इसमें पानी एब्जोर होगा तो एब्जोर होने के बाद पानी ऊपर बढ़ेगा, रेज होगा, ठीक है, पानी ऊपर की तरफ जाएगा। जब पानी ऊपर की तरफ जाएगा तो पानी के साथ साथ जो ये इंक है ये भी पानी के साथ साथ ऊपर की तरफ जाएगी। अब हमें पता है इस इंक के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, डाइज होते हैं, ठीक है। जैसे ही हम पानी के साथ देखेंगे तो यहाँ पे हमें रेड रेड कलर दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे हमें ब्लैक ब्लैक कलर दिखाई देगा, ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर दिखाई देगा, तब हम देख लेते हैं कि हाँ इस इंक के अंदर इतने सारे कलर मिले हुए हैं। वो कलर सबसे ऊपर जाएगा जो पानी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, डिजोल्व होता है। जो पानी के अंदर मैक्सिमम डिजोल्व होगा वो ही ज़्यादा से ज़्यादा राइज होगा, ठीक है। मैंने कल बताया था कि वो ही सोल्यूट पानी के अंदर वो जो उतना ज़्यादा रेज करेगा जो ज़्यादा डिजोल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे कलर्स दिख जाएंगे, जैसे हमें यहाँ पे रेड कलर दिख गया, यहाँ पे ब्लैक कलर दिख गया, ठीक है, ग्रीन कलर दिख गया, तब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो डाई होती है, डाई के अंदर तीन कलर मिले हुए हैं, कि इसके अंदर एक तो ब्लैक कलर मिला हुआ है, ठीक है, एक रेड कलर मिला हुआ है और एक ग्रीन कलर मिला हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी है, सबसे ज़्यादा जो राइज हो रहा है, वो कौन सा कलर राइज होगा, बोलो, टाइप करो, सबसे ज़्यादा राइज कौन सा होगा, टाइप करें, सबसे ज्यादा सबसे ऊपर कौन सा कलर दिख रहा है आपको, अरे बेटा ब्लैक, ब्लैक थोड़ी है, देखो ये ग्रीन, ग्रीन लगा रखा है मैंने, ग्रीन, ग्रीन कलर सबसे ऊपर है ना, इस वजह से रेड से बना रखा है, लेकिन ये ग्रीन कलर इंडिकेट कर रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कलर है वो सबसे ज्यादा जो राइज होगा वो कौन सा होगा, ग्रीन कलर होगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार से सेपरेशन मेथड था, जिससे हम एक सोलवेंट के अंदर बहुत सारे सोल्यूट डिजोल्व थे उनको हमने सेपरेट किया, ठीक है। अब इसके हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो जैसे कई बार क्या होता है, कई खिलाड़ी ड्रग्स लेते हैं, कई खिलाड़ी क्या लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं,
और ड्रग्स लेने के बाद उनकी जो पावर है वो बढ़ जाती है, तो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि, तो उससे पहले टेस्ट करते हैं कि इनके ब्लड में किसी प्रकार की कोई ड्रग्स तो नहीं है, तो वहाँ पे जो टेक्निक यूज होते हैं वो क्रोमेटोग्राफी यूज होती है, ठीक है। ब्लड्स के अंदर देख लेते हैं कि ब्लड के साथ साथ कोई ड्रग्स तो ऊपर नहीं जा रही है अलग कलर की, ठीक है, तो उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यदि उसने ड्रग्स ले रखी है तो उस खिलाड़ी को बाहर कर देते हैं, ठीक है। ड्रग्स लेने के बाद उसका पावर थोड़ा बढ़ जाता है, नेचुरल नहीं होता है, उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं, ठीक है, बाहर कर देते हैं उसको मैदान से। तो सेपरेशन करते हैं ड्रग्स का, ब्लड से ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए जो मेथड है क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, इसके अंदर तीन एप्लीकेशन है। यहाँ पे तो सबसे पहला सेपरेशन है टू सेपरेट कलर इन ए डाई। अभी हमने देखा कि डाई के अंदर कलर को सेपरेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का। तो यहाँ पे लिखना टू सेपरेट कलर, टू सेपरेट कलर इन ए डाइज, टू सेपरेट कलर्स इन ए डाइज, मतलब डाइज के अंदर जो कलर्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का। सेकंड है टू सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, टू सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल, जो पिगमेंट है उनको सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो एप्लीकेशन देखे, पहला एप्लीकेशन देखा टू सेपरेट कलर्स इन ए डाइज, दूसरा हमने देखा टू सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, तीसरा जो हमारा एप्लीकेशन है वो है टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। ब्लड से ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं वो क्या होता है हमारा, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देर आर थ्री एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। पहला है हमारा टू सेपरेट कलर्स इन ए डाइज, टू सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, थर्ड है टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देर आर थ्री एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। सभी बच्चे लाइव आए, ईसा यादव ने अच्छा लिखा था ग्रीन कलर सबसे ज्यादा राइज हो रहा था, वेरी गुड। नेक्स्ट मेथड है हमारा सिंपल डिस्टिलेशन। हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट मेथड है हमारा सिंपल डिस्टिलेशन।
नेक्स्ट मेथड कौन सा है हमारा, सिंपल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट मेथड कौन सा है हमारा, सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर जो दो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल ले ले, हम एग्जांपल ले ले यहां पे वाटर प्लस एसीटोन, ठीक है, वाटर प्लस एसीटोन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है एसीटोन और वाटर है यहाँ पे सॉल्वेंट, ठीक है। हम जब वाटर और एसीटोन दोनों को ले लें, ठीक है, उनको कोई बोले कि इनको सेपरेट करके दिखाओ, तो वहाँ पे सेपरेट करने के लिए कौन से मेथड का यूज करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। वी कैन सेपरेट एसीटोन फ्रॉम वाटर बाय द हेल्प ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, we can separate acetone from water, we can separate acetone from water by use of simple distillation, ठीक है, समझ में। यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज कहाँ करते हैं, मतलब एसीटोन को वाटर से डिस्टिलेट सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे दो लिक्विड है, जैसे वाटर है और एसीटोन है, उनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, इफ द डिफरेंस If the difference between two miscible liquid is more than 25 Kelvin, then we use सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, यदि दो मिसिबल लिक्विड हैं और उनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का जो मतलब डिफरेंस है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू मिसिबल लिक्विड इज मोर देन 25 केल्विन, देन वी यूज सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो यहां पे एक चीज और लिख लेना, इफ द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो यहां पे तो हम यूज करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन का। अब यदि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री केल्विन से क्या है, 25 केल्विन से कम है, तो वहां पे जो मेथड यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन सा यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, मिसिबल लिक्विड्स इज मोर देन 25 केल्विन, देन वी यूज सिंपल डिस्टिलेशन। अब दूसरी लाइन और लिख लेना, इफ द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन टू मिसिबल लिक्विड इज लेस देन 25 केल्विन, देन वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड।
वहां पे कौन सा मेथड यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है। वी कैन सेपरेट एसीटोन फ्रॉम वाटर बाय यूज ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है। सिंपल एसीटोन को यदि वाटर से सेपरेट करना है तो वहां पे हम यूज करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन का। और यहाँ पे मतलब जो एसीटोन और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट के जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री 25 केल्विन से ज़्यादा है, ठीक है। अब 25 केल्विन से कम डिफरेंस है तो उसको सेपरेट करने के लिए हम यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेपरेट करते हैं, एग्जाम्पल हो सकता है जैसे पेट्रोलियम सबस्टांस, पेट्रोलियम सबस्टेंस जैसे क्रूड ऑयल निकलता है, जैसे क्रूड ऑयल कच्चा तेल निकलता है, ठीक है। मिट्टी से नीचे से क्या निकलता है? कच्चा तेल निकलता है ना, ऐसे थोड़ी है डायरेक्ट डीजल पेट्रोल निकलता है। तो उनको सेपरेट करते हैं, कच्चे तेल से फिर सेपरेट करने के बाद हमें डीजल प्राप्त होता है, पेट्रोल प्राप्त होता है, केरोसिन प्राप्त होता है, चारकोल प्राप्त होता है, ठीक है। तो इनके अंदर जैसे डीजल और पेट्रोल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 25 केल्विन से कम होता है, ठीक है। यदि हमें कच्चे तेल से डीजल और पेट्रोल को सेपरेट करना है तो वहां पे जो मेथड यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करेंगे। और यदि हमें पानी से एसीटोन को दूर करना है, ठीक है, पानी से एसीटोन को दूर करना है या पानी से चीनी को अलग करना है तो वहां पे हम यूज करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन मेथड का, ठीक है। सिंपल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे पानी आता है ना, पीने का पानी आता है, बोलते हैं डिस्टिल वाटर है, ठीक है। तो एक प्रकार से इवेपोरेशन ही होता है वहां पे, ठीक है। अब यहां पे मैं बताता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पहला तो यही है कि जो सिंपल डिस्टिलेशन होता है वो वहां पे यूज करते हैं जिनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट का अंतर है वो 25 केल्विन से मोर हो, पहला तो अंतर ये हो गया। और 25 केल्विन से कम है तो वहां पे यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दूसरा मेथड ये है कि सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर फ्रैक्शनल कोलम का यूज नहीं करते हैं, जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनल कोलम का यूज करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? फ्रैक्शनल कोलम यूज इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बट फ्रैक्शनल कोलम इज डज नॉट यूज इन सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है। सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर उसका यूज नहीं करते हैं। उसके बाद जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है उसके अंदर ग्लास बीड्स होती हैं, कांच की गोलियां होती हैं, ठीक है। अभी यदि किसी के पास बुक्स हैं तो उसके अंदर देखो डायग्राम के अंदर डिफरेंस होता है। सभी अपनी बुक निकाल के देखें, उसके अंदर जो सिंपल डिस्टिलेशन है और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उनका उनके अंदर डिफरेंस दे रखा है। सर, इफ द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज 25 केल्विन, सो विच मेथड इज यूज? तो बेटा सिंपल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। हाँ, 25 केल्विन से ऊपर होते ही, 25 केल्विन से नीचे होते ही, ऊपर का मतलब तो वहां पे तो हम कौन सा यूज करेंगे? सिंपल डिस्टिलेशन। 25 से 25 से ज्यादा है तो सिंपल डिस्टिलेशन, और 25 से कम हो गया 24, 23, 22, ठीक है, 18, 19, तो वहां पे हम यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करेंगे। जैसे पेट्रोलियम सबस्टेंस से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, चारकोल, उनको सेपरेट करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। सभी समझ पा रहे हैं क्या? एवरीवन गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? यू हैव एनी प्रॉब्लम? यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, ठीक है। अब यहां पे मैं एक बार उनका डायग्राम बनाता हूं।
इसमें देखना कि वी कैन सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड बाय द हेल्प ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन, मतलब जो टू मिसिबल लिक्विड है उनको सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। उसके बाद आगे लिखा है इसके अंदर, बुक्स के अंदर देखना, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, बुक्स के अंदर देखना सभी, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ए मिक्सर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड डेट बॉइलिंग विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशियंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के अंदर सफिशियंट डिफरेंस है तो वहाँ पे, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम यूज करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन का। उसके बाद देखो, टू सेपरेट ए मिक्सर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, ठीक है, बुक के अंदर टिक लगा लेना और उनको लिखना है आपको। टू सेपरेट ए मिक्सर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज, तो वहां पे क्या यूज करते हैं हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि पेट्रोलियम सबस्टांस से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, चारकोल को अलग करने के लिए हम मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, द एपरेटस ऑफ फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन इज सिमिलर टू डेट ऑफ द सिंपल डिस्टिलेशन, मतलब जो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का जो इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन जैसा है, लेकिन थोड़ा अंतर है कि सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर फ्रिक्शनल कॉलम का यूज नहीं होता है जबकि फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर फ्रिक्शनल कॉलम का यूज होता है, ठीक है। डायग्राम देख लेना आप, वो जो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन है उसके अंदर गोलियां लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो सिंपल डिस्टिलेशन है तो वहाँ पे सीधा कंडेंसर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो राउंड बोतल फ्लास्क है वो सीधा कंडेंसर से जुड़ा हुआ है और उसके बाद वो नीचे जा रहा है, ठीक है, अभी बताता हूँ आपको, है ना। उसके बाद देखो इसमें लिख रहा है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर, जबकि फ्रैक्शनल कॉलम में फ्रैक्शनल कॉलम होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, फ्रैक्शनल कॉलम होता है। उसके बाद देखो, ए सिंपल फ्रैक्शनल कॉलम इज ए ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स, ग्लास बीड्स का मतलब होता है कांच की गोलियां होती है उसके अंदर, क्या होती है, कांच की गोलियां। वो क्या काम करती है, द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रैपिडली, मतलब जो बीड्स क्या काम करती है, जो वेपर बनती है, वेपर वेपर को ठंडा होने के लिए जगह देती है, एक सरफेस देती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनका यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे दोनों डायग्राम एक बार बता देता हूँ, ठीक है, तो देख लेना आप। ये क्या है, यहाँ पे राउंड बोतल फ्लास्क है, क्या है बेटा यहाँ पे, ये राउंड बोतल, देखो गोल है नीचे से, इसको क्या बोलते हैं, राउंड बोतल फ्लास्क, क्या बोलते हैं इसको, राउंड बोतल फ्लास्क। और ये क्या है, स्टैंड है, यहाँ पे इसको लगाया गया है, और यहाँ पे ये क्या है, इसको बंद करने के लिए कोर्क लगाया गया है, और यहाँ पे ये क्या है, थर्मामीटर, क्या है, थर्मामीटर, ये क्या है, कोर्क, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसके अंदर क्या है, कुछ भरा हुआ है, मिक्सर भरा हुआ है, जैसे मिक्सर ऑफ एसीटोन प्लस वाटर,
क्या भरा हुआ है इसके अंदर? वाटर और एसीटोन। ध्यान से देखना, ये समझ में आ जाएगा, वाटर और एसीटोन का मिक्सर भरा हुआ है, ठीक है। और यहां पे हमने क्या लगा रखा है, गर्म करने के लिए बर्नर लगा रखा है। इसमें से क्या निकल रही है? फ्लेम निकल रही है। क्या निकल रही है इसमें से? ये क्या है? बर्नर। और इसमें से ये क्या निकल रही है? फ्लेम निकल रही है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहां पे इसको यहां से थोड़ा जगह लेके हमने यहां पे, ठीक है, उसके बाद यहां पे ठंडा पानी डालते हैं इसमें यहां से, ठीक है। ये जो ट्यूब है ना, ट्यूब के ऊपर ही है ठंडा पानी, ठीक है। जैसे ये ट्यूब है ना, ट्यूब, इसके चारों तरफ पानी है, इसके अंदर पानी नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो सभी? इसके चारों तरफ पानी है और ट्यूब उसमें बीच में से निकल रही है, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां से हमने क्या डाला, कोल्ड वाटर, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इस ट्यूब में पानी नहीं है, इसके चारों तरफ जो है उसके अंदर पानी है, हम एक जैसे वो लेते हैं टैप वाटर होता है ना, पाइप होता है, उसको यहां से जोड़ देते हैं, ठीक है, नल होता है, नल को यहां से जोड़ देते हैं, ठीक है, और ये पानी बाहर निकलता रहता है, सिंक में निकलता रहता है, और पानी ठंडा पानी इसमें से आता रहता है, और जो पानी है ना दूसरी साइड से निकलता रहता है, ठंडा पानी आता रहता है और निकलता रहता है, ठीक है। अब देखो इसमें ये क्या है, टैप, पानी का नल, और यहां से कोल्ड वाटर इन हो रहा है, कोल्ड वाटर क्या हो रहा है, इन, और यहां से कोल्ड वाटर, कोल्ड तो नहीं होगा, यहां पे वाटर आउट। उसके बाद यहां पे हमने एक बर्तन और रखा। अब देखो यहां पे, अब हमने क्या किया, जब ये गर्म होगा, ठीक है, इसको गर्म कर रहे हैं, इसके अंदर जो मटेरियल है उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने के बाद ये जो एसीटोन है, जैसे हमने देखा एसीटोन, हम मान रहे, ज्यूम करें, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, जैसे हम माने 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, या हम माने कि इसका 70 केल्विन है, और जैसे पानी है, वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 के, वैसे मान रहे हैं, ठीक है, सही नहीं है, वैसे मान रहे हैं, ज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना हो गया, 30 केल्विन का, कितने का हो गया, 30 के केल्विन का हो गया ना, तो ये 30 केल्विन मोर देन 25 है ना, अरे मोर देन 25 है ना, तो यहां पे कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, सिंपल डिस्टिलेशन, तो ये सिंपल डिस्टिलेशन है। अब हमने वाटर और एसीटोन को गर्म किया, गर्म करने के बाद यहां पे थर्मामीटर है, जैसे ही यहां पे टेम्परेचर आएगा 70 केल्विन, कितना आएगा 70 केल्विन, तो सबसे पहले इवेपोरेट कौन होगा, वाटर के इवेपोरेट होगा या एसीटोन इवेपोरेट होगा, सबसे पहले एसीटोन इवेपोरेट होगा, ठीक है, क्योंकि 70 पहले आता है, 100 तो बाद में आता है ना, अरे 100 बाद में आता है ना, तो यहां पे देखो जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद ये भाप बाहर तो निकलेगी नहीं, क्योंकि यहां पे हमने क्या लगा रखा है, कोर्क लगा रखा है, ठीक है, तो ये कहां से जाएगी, जैसे भाप बनी इसमें से, भाप, ठीक है, भाप बन रही है, तो भाप कहां से जाएंगी, यहां से जाएंगी, कहां से जाएंगी, इस वाली ट्यूब में से जाएंगी, दिख रहा है सभी को, तो यहां से जाने के बाद, और इसके चारों तरफ कैसा पानी है, ठंडा पानी है, तो जो ये वेपर है ना, वो वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, अरे जब वेपर को ठंडा करते हैं तो क्या बनता है, लिक्विड बनता है ना, अरे बनता है नहीं बनता है, बोलो, हाँ, जैसे हमने बोला कि जैसे वेपर है, वेपर, वेपर को हमने क्या किया, कोल्ड किया, ठंडा किया, तो किसमें कन्वर्ट हो गई, ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गई, किसमें कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में, तो यहां पर ये ठंडा पानी इसलिए होता है कि इसको ठंडा रखे, ठीक है, इसमें से पानी आता रहता है, निकलता रहता है, क्योंकि जब ये जो गर्म भाप है इसके संपर्क में आती है तो ये पानी कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, इसलिए पानी चेंज होता रहता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको जोड़ जोड़ के रखा है, यहां से पानी इन होता है, यहां से पानी आउट होता है, सभी समझ रहे हो क्या,